हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। सो इस वीडियो लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे ब्रू डील के बारे में। इस डील को हम कह सकते हैं फोर कॉर्नर एग्रीमेंट। ये फोर कॉर्नर एग्रीमेंट या ब्रू डील जो है, ये क्यों साइन हुई? ब्रू कौन है? ब्रू बेसिकली एक ट्राइब है जो कि मेनली कहाँ रहती है, जैसे मिजोरम है, आसाम है, त्रिपुरा है और मणिपुर। इन चार स्टेट्स में ये ट्राइब रहती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो डील है ये क्यों साइन की गई और इससे रिलेटेड जो इशू है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं, माय आईडी इज़ सौरभ पांडे 009। अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे आप अगर CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एफ कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपकी SSB है, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। इन कोर्सेज की जानकारी के लिए आप studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है या फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये एग्री किया कि कुछ जो कंडीशंस लेड डाउन हैं इस एग्रीमेंट में, फोर कॉर्नर एग्रीमेंट या फिर ब्रू डील में, इसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, कुछ कंसेशंस प्रोवाइड किए जाएँ। ये जो फोर कॉर्नर एग्रीमेंट या ब्रू डील है ये क्यों साइन की गई? ये मेनली साइन की गई फॉर रिपेट्रिएशन, मतलब प्रत्यावर्तन। इसका मतलब जो ब्रू माइग्रेंट्स त्रिपुरा में रह रहे हैं उनको दोबारा से मिजोरम में रिहैबिलिटेट किया जाए, दोबारा से मिजोरम में सेंड किया जाए। इस एग्रीमेंट को समझने के लिए जो कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, तो पहला पॉइंट ये है कि जो ब्रू ट्राइब के जो लोग हैं वो त्रिपुरा माइग्रेट होकर क्यों गए, और अगर माइग्रेट होकर गए तो उन्हें दोबारा से मिजोरम में भेजने की बात क्यों हो रही है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि जो ब्रू या फिर रियांग ये जो ट्राइब है ये किन किन स्टेट्स में है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मिजोरम है, त्रिपुरा है, आसाम है और मणिपुर। इन चार स्टेट्स में ब्रू ट्राइब्स रहती है। मेनली जो ब्रू पीपल हैं वो कहाँ रहते थे? मिजोरम में। लेकिन 1997 में जो जातीय संघर्ष हुआ, किन के बीच ये जातीय संघर्ष हुआ? मिजोरम की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, मिजो कम्युनिटी, और इस ब्रू कम्युनिटी के बीच में जो जातीय संघर्ष हुआ या एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हुए, इस वजह से जो ब्रू ट्राइब के जो लोग हैं उनको माइग्रेट करना पड़ा त्रिपुरा में। इस समय अगर हम देखें तो त्रिपुरा में जो ये ब्रू पीपल हैं, ये ब्रू ट्राइब के जो लोग हैं, वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है। पहली जो लार्जेस्ट ट्राइब है वो है त्रिपुरी ट्राइब जो कि रहती है त्रिपुरा में। और जो ब्रू पीपल, ये जो ब्रू ट्राइब के जो लोग हैं जो त्रिपुरा में रहते हैं, वो कैटेगराइज्ड है अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये है स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये है मणिपुर और ये है असम। जो ब्रू पीपल हैं वो इन चार स्टेट्स में रहते हैं। पहले मेनली जो मिजोरम है वहाँ पे रहते थे, लेकिन जो ये माइग्रेशन हुआ उसके बाद से त्रिपुरा है, त्रिपुरा में रहने लग गए, आसाम है या मणिपुर है, इन स्टेट्स में भी ये रहने लग गए। अब ये समझते हैं कि जो ये ब्रू ट्राइब के जो लोग हैं वो क्यों मिजोरम से माइग्रेट होके त्रिपुरा चले गए। पहले तो ये रीज़न देखिए, ये ममित सब डिवीज़न है एजवाल डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ से माइग्रेट होकर ये गए त्रिपुरा। यहाँ पे जो ममित ये डिवीज़न है, यहाँ से माइग्रेट होके गए त्रिपुरा। ये जो ममित डिवीज़न है यहाँ से लगभग 50,000 ब्रू पीपल माइग्रेट होकर गए त्रिपुरा। अब ये प्रश्न ये है कि ये माइग्रेट होकर क्यों गए, इसको पहले समझते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि 29 अक्टूबर 1997 को एक फॉरेस्ट गार्ड का मर्डर हो गया। ये जो फॉरेस्ट गार्ड था ये किस कम्युनिटी से था? ये मिजो कम्युनिटी से था। अब ये क्लेम किया गया कि ये जो फॉरेस्ट गार्ड का जो मर्डर हुआ है ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है मर्डर जो मिलिटेंट्स हैं किसके? जो ये ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट है जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इस फॉरेस्ट गार्ड का मर्डर किया है। इंसिडेंट्स के बाद जो ब्रू पीपल हैं और जो
मिजो कम्युनिटी है उनके बीच जो जातीय संघर्ष है वो और इंक्रीज हो गया। इस बढ़ते जातीय संघर्ष की वजह से जो ब्रू पीपल है वो माइग्रेट होके जाने लगे त्रिपुरा। दूसरा रीज़न जो टेंशन का है इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, जिसकी वजह से जो ब्रू पीपल है वो माइग्रेट होके गए त्रिपुरा, वो ये है कि जो ब्रू पीपल हैं वो डिमांड कर रहे हैं किसकी, ऑटोनॉमस काउंसिल की। ऑटोनॉमस काउंसिल की वो डिमांड कर रहे हैं। ऑटोनॉमस काउंसिल क्या है, अगर आप देखें तो शेड्यूल सिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि स्टेट्स लाइक आसाम या फिर मेघालय या फिर मिजोरम और जो त्रिपुरा, ये जो चार स्टेट्स हैं यहाँ पे अगर गवर्नर चाहें तो किसी डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया तो इस डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करने के लिए ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जाएगी। ऑटोनॉमस ये जो काउंसिल है, ये जो ऑटोनॉमस काउंसिल है इसके पास बहुत सारे राइट्स होंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। तो जो ब्रू पीपल हैं, ब्रू पीपल ये कह रहे थे कि जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए और वहाँ पे उनकी जो है ऑटोनॉमस काउंसिल होगी। जब उनकी ऑटोनॉमस काउंसिल होगी तो वो अपने एरिया को खुद गवर्न कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट है या फिर एग्रीकल्चर है या लोकल रिसोर्सेस हैं, उन लोकल रिसोर्सेस को अपने डेवलपमेंट के लिए, लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा उनका ये अप्रहेंशन था कि जो मिजोरम है, मिजोरम में मेनली मिजो कम्युनिटी का डोमिनेंस है, सो अगर ऑटोनॉमस काउंसिल बनती है तो वहाँ पे मिजो कम्युनिटी का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जो ब्रू पीपल हैं ब्रू पीपल अपने आप को खुद गवर्न कर पाएंगे। तो ये भी डिमांड ब्रू पीपल के द्वारा हो रही थी। इस डिमांड की वजह से टेंशन इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यूसली बिटवीन मिजो कम्युनिटी और जो ये ब्रू पीपल हैं उनके बीच, और इस टेंशन की वजह से कन्फ्लिक्ट, जो जातीय संघर्ष बढ़ा और इस जातीय संघर्ष की वजह से जो ब्रू पीपल है उनको माइग्रेट होके जाना पड़ा त्रिपुरा। अगर अभी हम स्थिति देखें जो ब्रू पीपल की, तो लगभग 35,000 के आसपास जो ब्रू पीपल रह रहे हैं, जो अलग अलग कैंप्स हैं त्रिपुरा में। कुछ जो ब्रू पीपल्स हैं वो माइग्रेट होके आसाम चले गए, लेकिन जो ये कैंप्स हैं, ये कैंप्स में इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं हैं, जो हाइजीन से रिलेटेड कंडीशंस हैं या फिर जो हेल्थ से रिलेटेड कंडीशंस हैं या फूड जो प्रोवाइड करने की जो बात है या बच्चे जो हैं उनके एजुकेशन या स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो इनसे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो त्रिपुरा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को इतना तैयार नहीं है। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अलग प्रायोरिटीज़ हैं, और इस तरह के अप्रोच की वजह से जो ब्रू पीपल रह रहे हैं कैंप्स में उनकी कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जो ब्रू पीपल हैं वो दोबारा से अपनी जगह चले जाएं, जैसे जो मिजोरम है वहाँ पे जाके फिर से रहने लग जाएं। और इसी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कई तरीके के डील साइन करने का प्रयास कर रही है। ऐसी डील या एग्रीमेंट को साइन करने में काफ़ी डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है, उसके भी कई सारे रीजंस हैं। पहला तो ये है कि टेंशन बिटवीन सिविल सोसाइटी, जो अलग अलग नागरिक समाज हैं उनके बीच टेंशन, जो मिजोरम में हैं या फिर त्रिपुरा में जो हैं उनके बीच काफ़ी तनाव है, इस वजह से ये जो एग्रीमेंट है साइन नहीं हो रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम है वो भी इतना सपोर्ट नहीं कर रही है। क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि मेजर कम्युनिटी जो मिजोरम में है वो है मिजो कम्युनिटी, और अगर मिजोरम की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ब्रू कम्युनिटी को तो उसके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए इतना सही नहीं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मिजोरम में है उसके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए सही नहीं। इस वजह से भी काफ़ी हेजिटेंट अप्रोच है ना जो मिजोरम की गवर्नमेंट है उसका। और तीसरा जो पॉइंट है जिस वजह से डिले होता है वो ये है कि जब भी प्रयास किया जाता है उसी समय कोई ना कोई एक वायलेंट इंसिडेंट हो जाता है और इस वजह से जो भी प्रयास है वो थम जाते हैं और रुक जाते हैं। जनवरी 2015 में जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है त्रिपुरा है और मिजोरम है, उन्होंने एग्री किया टू अ फाइनल राउंड ऑफ रिपैट्रिएशन, है ना, जिससे कि जो ब्रू पीपल हैं उनको दोबारा से मिजोरम में सेंड किया जाए। इसमें जो कंडीशन रखी वो ये रखी कि जो ब्रू पीपल हैं, लगभग 11,000 के आसपास जो ब्रू पीपल हैं वो रजिस्टर्ड हैं एज अ वोटर इन मिजोरम। तो जब उनसे कहा जा रहा है कि आप जाके मिजोरम में सेटल हो जाएं और होम मिनिस्ट्री
भी कह रही है कि आप मिजोरम में जाके सेटल हो जाएं, बट फिर भी क्योंकि सोशल टेंशन है इस वजह से वो भी काफ़ी हेजिटेंट है कि वहाँ जाके वो सेटल हो कि ना हो। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये कहा इस राउंड के तहत जो भी ब्रू पीपल ये मना करेंगे कि वो मिजोरम रिटर्न नहीं होंगे, उनका नाम मिजोरम्स इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब कि वो वहाँ पर वोट नहीं डाल सकते और जो राशंस और जो रिलीफ है उनको मिल रहा है उसको रोका जाएगा। ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप एक्सेप्ट भी किया गया था बाय सोशल जस्टिस बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो फाइनल रिपेट्रिएशन प्रोसेस है वो बिगिन हुआ जून 2015 को। जुलाई 2018 को ये फोर कॉर्नर एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे हम ब्रू डील भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत जो भी पर्सन जो त्रिपुरा के कैंप में रह रहे हैं, वो जब मिजोरम जाएंगे, उन्हें सरकार की तरफ से वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा लगभग 4 लाख का एज अ फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली ओनली आफ्टर 3 years ऑफ अनइंटरप्टेड स्टे इन मिजोरम। लगभग 3 साल तक जब वो मिजोरम में रहते हैं तो उनके जो फैमिली का हेड होगा उसको ₹4 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। घर बनाने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 1.5 लाख का इन थ्री इंस्टॉलमेंट्स में 1.5 लाख रुपीस मिलेंगे, जिससे वो अपना घर बना सकें। फ्री राशन फॉर 2 years, 2 साल के लिए मुफ्त राशन मिलेगा और मंथली असिस्टेंस मिलेगा ऑफ ₹5,000 फॉर ईच फैमिली, हर फैमिली को लगभग ₹5,000 मिलेंगे। अब ये सारे प्रोविजंस इसलिए आए क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि जो त्रिपुरा के कैंप में जो ब्रू पीपल रह रहे हैं या अलग जगह पे जो ब्रू पीपल रह रहे हैं, तो दोबारा से आके जो उनका घर है मिजोरम में, वहाँ पे आके वो दोबारा से सेटल हो जाएं। तो जो ब्रू डील है या फोर कॉर्नर एग्रीमेंट है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? वो बेसिकली रिलेटेड है कि जो ब्रू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दोबारा से आके मिजोरम में रहने लग जाएं। इसके खिलाफ भी कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए, जो ब्रू पीपल है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनकी कई सारी डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि जो ये पीरियड है कि 3 years तक आपको अनइंटरप्टेड रहना है मिजोरम में, इस पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाए 1.5 years। दूसरा जो डिमांड वो ये कर रहे हैं कि जैसे ही वो मिजोरम रिटर्न हो तो उन्हें ये अलाउ किया जाए कि वो 90% जो अमाउंट है 4 लाख का उसको तुरंत निकाल सके, जिससे कि वो अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकें। दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि जो 1.5 लाख रुपए मिलना है हाउस असिस्टेंस के लिए, घर बनाने के लिए जो 1.5 लाख रुपए मिलना है, तो जो फोर कॉर्नर एग्रीमेंट है उसके तहत 3 इंस्टॉलमेंट में वो मिलेगा। तो ब्रू पीपल हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये अमाउंट 1 इंस्टॉलमेंट में मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंस्टॉलमेंट में मिल जाए। इन सारी डिमांड्स के बाद ही जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ जो प्रोविजंस हैं जो कि मेंशन्ड है फोर कॉर्नर एग्रीमेंट में या जो ब्रू डील है उसमें जो प्रोविजंस मेंशन्ड है उनको रिलैक्स किया जाएगा। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया ब्रू डील या फोर कॉर्नर एग्रीमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।